अस्सलामु अलैकुम सब दोस्तों को। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना बदली आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है सब दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात कि ये जितने भी शेड बने हैं ये सारे टेंडर में बने हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों आपने वाइट वाटर मैट लेके आना है, ठीक है। तो उसमें जो भी आपने शेड बनानी है ना, आप उसमें टेंटर डालें तो शेड आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि इस तरह काफ़ी ख़र्चा बच जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता और मुनासिब प्राइस में भी काम हो जाता है। काम वही होता है, ये बात सब गलत है कि नहीं वो बने बनाए वो क्वार्टर लेके आए कंपनी के तो उनका अच्छा रिज़ल्ट है तो इनका रिज़ल्ट बुरा है। नहीं 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 ये कोई बात नहीं, ये टेंटर भी उसी तरह है। आप अगर आप वाइट सीमेंट में डालते हैं तो उसका रिज़ल्ट वैसा होगा, अगर आप वाटर मैट में डालते हैं तो वाटर मैट का तो आपको पता ही है ना, शाइन भी करता है सब कुछ करता है। ये धुंधला धुंधला नज़र आने की वजह सिर्फ ये है कि दोस्तों मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट मोबाइल का इतना अच्छा नहीं होता। तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगा। तो ये देखें, अब ये मैंने रेड कलर लिया है, वाइट कलर में रेड कलर का टेंटर डाला, तो ये देखें ये अब वाइट रेड का शेड दे रहे हैं। तो आप सब दोस्तों को मैं एक बात अपना ज़रूरी बताना समझूंगा कि वाटर मैट में कोई भी आप टेंटर डाल के शेड बनाते हैं तो वो उसकी आप गारंटी दे सकते हैं, वो कभी शेड कलर ख़राब नहीं होगा कि कलर में धब्बे बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल एक जैसा कलर होगा। जब तक वाटर मैट की मजबूती रहेगी वो 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, उतनी देरी इसमें रहेगी, ठीक है। तो आप सब दोस्तों ने सबसे पहले घबराना नहीं है, जैसे हमारे PM साहब बोलते हैं सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ, ज़्यादा तो नहीं, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। तो मैं भी यार एक आम लड़का हूँ, मैं भी सुबह काम पे जाता हूँ, काम करके आता हूँ, शाम को मैं वीडियो बनाता हूँ कि यार कोई भी इंसान जो है ना वो मुखलिस नहीं है इस दौर में, ठीक है। तो आप ये इंशाल्लाह जितना मुझे आता है, मैं जितना सीख रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, मैं सब दोस्तों से शेयर करता जाऊँगा, क्यों यार एक दिन मर जाना है। सब ने हुनर को नहीं पास रखना चाहिए, आपके आपके ऊपर इलम और हुनर दोनों कर्ज हैं, ठीक है। तो ये कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने दोस्तों को ज़्यादा को ये इन चीज़ों के समझ आ जाए उतना हमारे लिए बेहतर है। और ये मैं आप सब दोस्तों से इसीलिए शेयर करता हूँ कि भाइयों आप सबको ये करने में आसानी हो, आप सब ये करें, मुझे खुशी होगी। तो दूसरी बात ये है मेरे दोस्तों से कि भाईजान आप जिस जिस सिटी से हैं लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं सर आप किस किस सिटी से। मैं आप सब दोस्तों की तह दिल से इज़्ज़त करता हूं और करूंगा, ये नहीं कि ये मैं एक टूटी फूटी वीडियो बना देता हूं तो ये आप सब दोस्तों के लिए मैं वो घुंघरू वाली कंजरी बन जाऊं। नहीं 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 नहीं, आप सब दोस्त मेरे भाई हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं। अगर किसी दोस्त को मेरी बात बुरी लगे उन सब दोस्तों से माजरत है। तो आपके माइंड में दिल में जो भी बात आए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके बता सकते हैं। तो अगर मुझसे आप दोस्तों को गाइड करने में अगर कोई मसला आया, कोई परेशानी आई है, कोई आपको मेरी बात बुरी लगे, आप सब दोस्तों को खुली इजाज़त है, खुला हो, आप मुझे जब मर्जी कमेंट करके बता सकते हैं भाई ये आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी, बकाया मैं भाई जान उस चीज़ की तफसीलात के साथ सोचूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मेरे भाइयों को कोई भी ऐसी बात ना बुरी लगे जिसकी वजह से मेरे भाई नाराज़ हो रहे हैं। तो भाई जान अब ये देखें, मैंने ऑरेंज शेड भी दे दिए हैं, येलो भी दे दिए हैं, ब्लू भी दे दिए हैं, तो ये रेड कलर का भी शेड दे दिया है। तो ये भाई जान जितना भी ये मैं वीडियो बनाता हूँ ना सर, ये मैं अपने घर में ही बनाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी तक। तो इंशाल्लाह जल्दी ये बार बार भी काम करते हैं, लेकिन यार वो फिर वहाँ पे वीडियो मैं नहीं अभी बनाता, तो इंशाल्लाह कामों की भी वीडियो बनाऊ करूँगा। तो आप सब दोस्तों से यही एक उम्मीद मैंने रखी है। तो
ये देखें भाई जान, ये रेगुलर बाल्टी जो होती है जिसे हम गैलन बोलते हैं, उसका ढक्कन लिया, उसके साइड पे ये मैंने कलर दे दिया रेड शेड। तो ये देखें आपका सूरज अच्छा खासा वाजह नज़र आने लग गया है। तो उम्मीद है ये आप सब दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगे हैं भाई आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक विज़िट नहीं किया उन सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जान मेरे चैनल को विज़िट करें, ठीक है। ये दूसरी बात ये है कि भाई जान एक मेरे कराची के भाई हैं, तो उन भाइयों की आज मुझे बात बहुत अच्छी लगी है। तो बात यही है कि यार ये जो कलर है, ये पेंट है ना, मैं उनका अगर नाम लूँगा तो ये मेरे पास में जो मेरे दोस्त अहबाब हैं ये फिर माइंड करेंगे। तो कराची के वो भाई हैं, तो उन्होंने मुझे एक बताया था, ये जो पेंट का काम है ना सर, ये अगर आपका पाँव लगने से, हाथ से अगर गिर गया ना, तो उसके गिरने का अंदाज़ ऐसा होगा कि वो कोई ना कोई डिज़ाइन बन जाएगा, चाहे वो फूल बन जाए, चाहे वो जो मर्ज़ी बन जाए। गिरेगा जब वो नीचे टपकेगा ज़मीन पर गिरेगा वो किसी की, आपको पता जब पानी गिरता है तो उसकी छींटें भी उभरती हैं, उसका भी डिज़ाइन बन जाता है। इसका कोई भी कारीगर कंप्लीट दुनिया में नहीं है। तो उस कराची वाले भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि यार जब वो गिर के पेंट गिरा नीचे डिज़ाइन बन गया, वो कारीगर कहेगा कि नहीं यार ये मैंने बनाया है, ठीक है। तो दूसरी बात उसकी भाई की मुझे ये अच्छी लगी है कि भाई जान कोई भी डिज़ाइन आप जितनी दफ़ा भी बना लें, वो उसकी अलहदा ही एक सिमटी में आएगा, वो एक जैसे नहीं बन सकते। जिसने बनाया वो भी एक जैसा नहीं बना सकता, बस यही बात है। तो उम्मीद है इसी बात के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
Thank you.